नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मैहर को जिला बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के बाद नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार से मैहर को हमने जिला बनवाया है उसी प्रकार से विंध्य प्रदेश का भी निर्माण होगा। भाजपा से मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान उन्होंने मैहर को जिला बनाए जाने के लिए अनुमोदन कराया था, इसके बाद शिवराज सरकार ने मैहर को जिला बनाए जाने की प्रक्रिया की घोषणा की है। नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ, शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बधाई देते हुए कहा कि विंध्य के लोग इस बात का भरोसा रखें कि जब मैं मैहर को जिला बनवा सकता हूं तो विंध्य प्रदेश भी बन सकता है। इसके लिए हम सब लोग एक साथ खड़े होकर संघर्ष करें। मैहर जिला कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कैबिनेट से पास कराकर उसी करा चुका था। अब तमाम श्रेय लेने की होड़ में लोग लगे थे। मैं लगातार कई बार बोल चुका कि जिला बनेगा, जिला बनकर रहेगा और आज शिवराज जी ने भोपाल से घोषणा कर दिया मैहर के जिला के क्रियान्वयन का। मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी को भी धन्यवाद बधाई देता हूँ। मैहर वासियों को प्रणाम करते हुए विंध्य वासियों को भी प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैहर का जिला बनना ये तय करता है कि विंध्य का पुनर्निर्माण होगा। जो लोग आज तक कहते थे कि अभी तक मैहर जिला बनाते रहेंगे नारायण त्रिपाठी, अब विंध्य बनाने लगे, वो इस बात से सीख ले कि मैहर जिला बन चुका, अब विंध्य का भी पुनर्निर्माण होगा। जय जय विंध्य प्रदेश। मैहर और विंध्य वासियों से निवेदन करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे। जिस तरह मैहर जिला बना है उसी तरह विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे।